हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपने हमने हम भारतीयों ने एक ऐसा पावर दिखाया जिसके चलते कुछ वीडियो पहले मैंने ये मेंशन किया था कि मेड इन इंडिया में आईफोन के फ्लैगशिप फोन है वो मेड इन इंडिया नहीं होते, वो हम साउथ चाइना से इंपोर्ट करते थे। लेकिन मैंने उसमें भी कहा था कि हमें इस ईयर के एंड तक आईफोन 11 हमारे देश का बना हुआ मिल जाएगा, मेड इन इंडिया ईयरफोन देखने के लिए मिल जाएगा, और वैसे ही हुआ। हाल ही में हमारे पीयूष गोयल जी ने ये बताया कि जो आईफोन है वो चेन्नई के पास के एक असेंबली लाइन से बनना शुरू हो चुके हैं, तो जो आईफोन 11 अब मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, जो असेंबल हो रहे हैं, वो इंडिया में असेंबल हो रहे हैं। और ये किसकी वजह से हुआ है? ये आपकी और मेरी वजह से हुआ है। हमने यहाँ पर वो रिक्वायरमेंट क्रिएट की है जिसके चलते 3 साल पहले आईफोन कंपनी ने ये कहा था कि इंडिया में कैपेबिलिटी नहीं है कि वो आईफोन जैसे अच्छे फोन बना पाए, इंडिया में मैन्युफैक्चर कर पाए। और आज कुछ टाइम पहले उन्होंने एक हैवी इन्वेस्टमेंट इंडिया में की और अब जो फोन जो बन रहे हैं वो आईफोन 11 इंडिया में बनेंगे, और आने वाले भी जो फोन रहेंगे, जो फ्लैगशिप फोन रहेंगे, वो इंडिया में ही बनेंगे, वो किसी और देश से इंपोर्ट होकर के नहीं आएंगे। ये किस लिए हुआ? क्योंकि हमने जरूरत क्रिएट की कि यहाँ पे आईफोन यूजर्स हैं, आईफोन की एक बड़ी मार्केट है। इसके साथ साथ हमने यहाँ पर आईफोन असेंबल करने की जो रिक्वायरमेंट है, चाहे वो हम ये कहें एक असेंबली पॉइंट हो और उसमें काम करने वाले जो लोग हैं वो हो, वो सारे जो लोग हैं वो भी क्रिएट किए, तो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है हमारे पास है। इससे एडवांटेज क्या है? सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये होगा कि इंडिया में रेवेन्यू जनरेट होगा, भारत देश जो है वो आईफोन से कमाएगा। दूसरा रहेगा वो ये कि इंडिया में कई लोगों को जॉब मिलेगा, बहुत सारी कंपनीज हैं जो इनफैक्ट चाइनीज हैं लेकिन वो यहाँ पे अराउंड 20,000 to 30,000 लोगों को जॉब दे रही है। तो आईफोन 11 बनने की वजह से इंडिया में जॉब क्रिएट्स होंगे और ज़्यादा लोग जो हैं हमारे भारतवासी, हमारे जो भाई हैं, वो आईफोन के इस प्लांट में भी काम करेंगे। और उसके बाद अभी तो आईफोन सस्ते नहीं होंगे, लेकिन जितना मुझे लगता है, जितना कैलकुलेटिव मैं हूँ, उस हिसाब से आने वाले समय में हमें बहुत जल्द जो आईफोन्स हैं वो इंटरनेशनल मार्केट से सस्ते मिलेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, OnePlus Nord जो है वो इंडिया में मिलता है अराउंड 25,000 से, 25,000 उसका जो उनका बेस वेरियंट है उसका प्राइस है, लेकिन यूरोप में ये शुरू होता है अराउंड $500 से, लगभग 37,000 के करीब। तो कितना फर्क है, अराउंड 12,000 रुपीज सस्ता फोन, वो भी 25,000 वाली रेंज में। फिर आईफोन तो अराउंड 70,000 प्लस के फोन है। तो आने वाले समय में, अभी तो नहीं, अभी तो शायद हमें सेम प्राइस पे मिलेगा, लेकिन असेंबली होकर के मार्केट में आने के बाद और उसके बाद जो वो लोग इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह पे करते थे वो सब कट करने के बाद आईफोन्स में भी हमें एक अच्छा खासा डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। और जल्द ही जो हम पहले सुनते आ रहे थे ना कि यार दुबई में फोन सस्ता मिलता है, यूएस में आईफोन सस्ता मिलता है, अब शायद वहां के लोग बोलेंगे कि अगर इंडिया जा रहा है भाई तो आईफोन लेकर के आना, आईफोन इंडिया में सस्ता मिलता है। तो ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ बने रहिए, मैं हर एक या दूसरे दिन ऐसे वीडियोस लेकर के आता रहूंगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले वीडियो मिल जाए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और बने रहिए हमारे साथ। टेक केयर, बाय।